हेलो, आई एम विशाली. वेलकम टू माय चैनल. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, आर्ग्यूमेंट के बारे में समझते हैं. आर्ग्यूमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम स्टडी करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में. और ये आर्ग्यूमेंट जो टॉपिक है, इससे यूजुअली एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं. ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की फर्स्ट यूनिट में स्टडी किया. हम इसका पूरा थियोरेटिकल कंसेप्ट समझेंगे. मुझे पता है वो आपको बहुत हेल्पफुल भी रहेगा. और जो नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगी इसका पार्ट टू, तो उसमें आपको क्वेश्चंस ही मिलेंगे आर्ग्यूमेंट्स पे बेस्ड. तो आज की वीडियो में आप पूरा थियोरेटिकल कंसेप्ट समझ सकते हैं, जिसमें हम समझेंगे आर्ग्यूमेंट के बारे में कि आर्ग्यूमेंट को कैसे बनाया जाता है. ओके, अगर हमारे पास प्रिमाइसिस या कंक्लूजन दिए गए हों, उसके बाद कि आर्ग्यूमेंट का टेस्ट कैसे करते हैं वैलिडिटी के लिए, उसके बाद कि आर्ग्यूमेंट को चेक करने के लिए जो हमारे पास फंडामेंटल रूल ऑफ इन्फेरेंस होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए आपको दो टर्म पता होनी चाहिए, प्रीमाइसिस और कंक्लूजन. प्रीमाइस मतलब कोई भी एक सिंपल स्टेटमेंट, उसको हम प्रीमाइसिस कहते हैं. ठीक है ना, एक सिंपल या जो एक स्मॉल स्टेटमेंट होता है उसको हम प्रीमाइस कहेंगे. कंक्लूजन द प्रोसेस यूज टू गेट डेरिवेशन ऑफ ए स्टेटमेंट. दैट मीन्स कि तीन चार स्टेटमेंट आपको दिए गए हों, उन तीन चार स्टेटमेंट में आप किसी को तीन चार स्टेटमेंट ना कह के कोई एक छोटे से स्टेटमेंट में वो सारी बात बता दो, तो वो क्या हो गया, कंक्लूजन ऑफ द स्टेटमेंट ना. सो वही होता है कंक्लूजन. ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है. आर्ग्यूमेंट इज ए प्रोसेस बाय विच ए कंक्लूजन इज ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ प्रीमाइसिस. आर्ग्यूमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जब हमें तीन चार स्टेटमेंट्स, दैट मीन्स हमें प्रीमाइसिस दिए गए हों, और इन प्रीमाइसिस की मदद से हम कंक्लूजन निकाल रहे हों, कंक्लूजन को डिराइव कर रहे हों, तो इस तरीके के प्रोसेस को, इससे जो एक बड़ा स्टेटमेंट बनता है उसको हम एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट कहते हैं. ओके, अब यहाँ पे एक सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन दिया है कि लेट पी वन पी टू सो ऑन पी एन तक हमारे पास कुछ प्रीमाइसिस हैं जिनको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और R एक कंक्लूजन है. ठीक है, हमारे पास N प्रीमाइसेस हैं और R एक कंक्लूजन है. Then an argument which yields a conclusion R from the premises P1, P2, P3, Pn is a valid if and only if the statement P1 and P2 and P3 so on and Pn implies R is a tautology. यहाँ ये दिया गया है कि हमारे पास अगर n premises हैं, P1, P2, P3, Pn, Pn तक n premises हैं, वो derive कर रहे हैं एक R conclusion, तो हम उन प्रीमाइसिस और कंक्लूजन को किस तरीके से लिखें ताकि हमें एक आर्ग्यूमेंट मिले, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन और इम्प्लीकेशन साइन का. ठीक है, इसीलिए हमने गिवन प्रीमाइसिस को पी वन एंड पी टू एंड पी थ्री एंड सो ऑन पी एन, तो कंजंक्शन से उन सारे प्रीमाइसिस को ज्वाइन किया, इम्प्लीकेशन का साइन लगाया और लिख दिया कंक्लूजन. तो ये हमारा एक फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा. ओके, अब बात ये करी जा रही कि क्या ये आर्ग्यूमेंट एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है. तो आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये आर्ग्यूमेंट बना है ना, फाइनल आर्ग्यूमेंट, ये एक टोटोलॉजी होना चाहिए. तो टोटोलॉजी होने के लिए हमें प्रीमाइसिस और कंक्लूजन सबकी मदद चाहिएगी, है ना. सो अगर ये मिलने वाला आर्ग्यूमेंट हमारा टोटोलॉजी हो जाए, तभी हम कहेंगे कि जो ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म है ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है. ठीक है, तो आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि गिवन प्रीमाइसिस और कंक्लूजन को हम किस तरीके से लिखते हैं और कैसे आर्ग्यूमेंट बनाते हैं. अब मैं एक एग्जांपल के हेल्प से आपको शो करती हूँ. सो एक एग्जांपल लेते हैं कि अज्यूम करते हैं हमारे पास तीन प्रीमाइसिस हैं, P1, P2 एंड P3. उन प्रीमाइसिस को हम ज्वाइन कर रहे हैं एंड की हेल्प से. ओके, और हमें कंक्लूजन मिला है R, जिसको हम इम्प्लीकेशन करके R लिखेंगे. तो ये हमारा एक आर्ग्यूमेंट बन गया है. अब एग्जाम में क्वेश्चंस ये आते हैं कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हो, थियोरेटिकल स्टेटमेंट्स, आपको उनके हेल्प से प्रीमाइसिस और कंक्लूजन को डिराइव करना है और फिर उनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन देना है. तो वही मैंने आपको बता दिया. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिकली वैलिड. हमें चेक करना है कि क्या हमारा आर्ग्यूमेंट वैलिड है या हमारा आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है. सो एन आर्ग्यूमेंट इज A valid valid if and only if the conjunction of premises implies the conclusion. इसमें कहा गया है कि अगर हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट दिया गया है, हम उसकी वैलिडिटी को अगर चेक कर रहे हैं, तो हमें यह देखना है कि जो प्रीमाइसिस हैं क्या वो रियल में इम्प्लाई कर रहे हैं कंक्लूजन को. That is, if the premises are all true, the conclusion must also be true. अगर premises की जो values हैं वो true दे रही हैं, तो जो conclusion हमें final output conclusion का मिलेगा, उसमें जो truth table में values मिलेंगी वो सारी true होनी चाहिए.
ओके क्या होनी चाहिए, ट्रू, तो आर्ग्यूमेंट आपका वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा. ओके नेक्स्ट है, इफ़ वन और मोर प्रिमाइसिस इज फॉल्स सो दैट द कंजंक्शन ऑफ ऑल प्रिमाइसिस इज फॉल्स. यहाँ पे दिया गया है क्योंकि देखिए प्रिमाइसिस की हेल्प से ही पूरी टेबल बनेगी और फिर कंक्लूजन मिलेगा. अगर हम अज्यूम करें कि प्रिमाइसिस में कुछ प्रिमाइसिस जो हैं आपके फॉल्स वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, तो जो अगर हम कंजंक्शन से ज्वाइन करेंगे उन प्रिमाइसिस से को, तो हमें फॉल्स ही मिलेगा. तो जो मिलने वाला कंक्लूजन है वो भी हमें ट्रू या फॉल्स दे सकता है. ठीक है, तो उस समय जो स्टेटमेंट होगा या जो आपका फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा वो वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं होगा. नेक्स्ट है, टू टेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर फॉर्म फॉर वैलिडिटी. अब हमें चेक करना है कि आर्ग्यूमेंट अगर आपको गिवन है तो उसकी वैलिडिटी के लिए क्वेश्चन में हम टेस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि आर्ग्यूमेंट वैलिड है. तो उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप ये है कि आइडेंटिफाई द प्रिमाइसिस एंड कंक्लूजन ऑफ द आर्ग्यूमेंट. जो आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उन स्टेटमेंट्स में से आपको प्रिमाइसिस और कंक्लूजन को डिराइव करना है और उनकी हेल्प से एक आर्ग्यूमेंट को फॉर्म करना है. ठीक है, तो एक्चुअली हमें आइडेंटिफाई करना है अपने आर्ग्यूमेंट को गिवन क्वेश्चन में. नेक्स्ट पॉइंट है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रुथ टेबल शोइंग द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ ऑल प्रिमाइसिस एंड द कंक्लूजन. मतलब यह है कि अब आपको ट्रुथ टेबल बनानी है. उन ट्रुथ टेबल में आपको वैल्यूज प्रिमाइसिस की और कंक्लूजन की हेल्प से जो वैल्यूज मिलेंगी, अगर वो सारी ट्रुथ वैल्यूज मिल रही हैं, ट्रू वैल्यूज मिल रही हैं, तो जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है. थर्ड पॉइंट, फाइंड द रो इन विच द प्रिमाइसिस आर ट्रू. उन रो को ध्यान से देखिए जिनमें प्रिमाइसिस की वैल्यू ट्रू है. फोर पॉइंट, इन ईच क्रिटिकल रो डिटरमाइन, इसमें दो सब पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी. वो क्रिटिकल रोज, मतलब वो रोज जिनमें वैल्यू ट्रू नहीं है प्रिमाइसिस की. ओके, इफ इन ईच क्रिटिकल रो द कंक्लूजन इज ऑल्सो ट्रू द आर्ग्यूमेंट फॉर्म इज वैलिड. अब यहाँ ये कहा गया है कि आपको वो रोज देखनी जहाँ पे प्रिमाइसिस की वैल्यूज ट्रू नहीं है, तो क्या पता उन रो में कंक्लूजन आपको ट्रू वैल्यू दे रहा हो. तो कंक्लूजन की तो सारी वैल्यूज ट्रू हो गई ना. ट्रू जब प्रिमाइसिस था तो भी ट्रू था, जहाँ प्रिमाइसिस फॉल्स है वहाँ भी ट्रू है. तो कंक्लूजन ने क्या शो कर दिया कि आर्ग्यूमेंट जो है टोटोलॉजी फॉर्म कर रहा है. दैट मीन्स कि आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ देयर इज एटलीस्ट वन क्रिटिकल रो इन विच द कंक्लूजन इज फॉल्स द आर्ग्यूमेंट फॉर्म इज इनवैलिड. अब इसने कहा है कि हमें देखना है कि वो एक क्रिटिकल रो जहाँ पे कंक्लूजन भी फॉल्स हो रहा है, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट आपका इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है. अब नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू फंडामेंटल रूल ऑफ इन्फेरेंस. तो इसमें जो पहला फंडामेंटल रूल है जिसको कहते हैं हम फंडामेंटल रूल वन, या फिर इसको मॉडस पोन्स भी कहा जाता है, अदरवाइज इसको हम रूल ऑफ डिटैचमेंट भी कहते हैं. चलिए इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. द रूल ऑफ डिटैचमेंट इज गिवन बाय, तो रूल ऑफ डिटैचमेंट को जो सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो है पी. ठीक है, नेक्स्ट है P implies Q, देन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, और फिर हमने लिखा है Q. सो P भी एक प्रिमाइस है, P implies Q भी एक प्रिमाइस है. ओके, इन दोनों प्रिमाइसिस से हमें जो डिराइव किया है कंक्लूजन वो हमारा है Q. Q क्या है हमारा? कंक्लूजन. अब दो प्रिमाइसिस जो हमारे पास दिए गए उन दोनों प्रिमाइसिस को हम कंजंक्शन की मदद से ज्वाइन करेंगे, दैट इज एंड सिंपल से, और इम्प्लाई करेंगे कंक्लूजन. तो ये हमारा एक फाइनल आर्ग्यूमेंट बन जाएगा और वो आर्ग्यूमेंट कहलाएगा आपका मोडस पोन्स. ओके, हियर पी एंड पी इम्प्लाइज क्यू आर प्रिमाइसिस एंड द कंक्लूजन इज रिटन बीनीथ द लाइन, दैट इज बीनीथ द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड विच इज क्यू. तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है? क्यू मिल रही है. तो ये हमारे को एक क्या मिल गया है? मोडस पोन्स, दैट मीन्स फंडामेंटल रूल वन. अब इसमें क्या लिखा गया है? इफ पी इज अज्यूम्ड एज ट्रू, ऑल्सो क्यू इम्प्लाई, पी इम्प्लाइज क्यू इज ट्रू, देन क्यू इज ऑल्सो ट्रू. तो यहाँ ये दिया गया है अगर पी की वैल्यू सारी ट्रू हैं, पी इम्प्लाइज क्यू की वैल्यूज भी ट्रू हैं, तो दैट मीन्स दोनों प्रिमाइसिस ट्रू हो गए. तो जो कंक्लूजन क्यू की सारी वैल्यूज होंगी वो भी ट्रू होंगी. अगर ऐसा हो जाता है तो आपका जो आर्ग्यूमेंट बनेगा फंडामेंटल रूल वन से वो आपका एक टोटोलॉजी आर्ग्यूमेंट होगा या वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा. नेक्स्ट है फंडामेंटल रूल टू, जिसको हम रूल ऑफ साइलोगिज्म भी कहते हैं. ओके, इसको हमने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया है, पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज आर, अ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट पी इम्प्लाइज आर. ओके, सो पी आर क्यू ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं. ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा. पी इम्प्लाइज क्यू आपका फर्स्ट प्रिमाइस है, क्यू इम्प्लाइज आर आपका सेकेंड प्रिमाइस है, P
पी इम्प्लाइज आर, आपका कंक्लूजन है. ओके, तो हमें यहाँ दो प्रिमाइस और एक कंक्लूजन मिला है. अगर हम दोनों प्रिमाइस को एंड से ज्वाइन कर दें और इम्प्लाई कर दें पी इम्प्लाइज आर, तो हमें एक पूरा आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा. ठीक है, अब यहाँ राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है व्हेन द टू इम्प्लीकेशंस, टू इम्प्लीकेशन पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज आर, दैट मीन्स ये दोनों प्रेमाइसिस अगर ट्रू वैल्यूज दे रहे हैं तो जो इम्प्लीकेशन दैट मीन्स कंक्लूजन है पी इम्प्लाइज आर वो भी ट्रू वैल्यूज ही देगा. सो दैट मीन्स कंक्लूजन आपके प्रेमाइसिस पे डिपेंडेंट है. सो यहाँ पे इन दोनों इम्प्लीकेशन दैट मीन्स पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू इम्प्लाइज आर की वैल्यूज ट्रू होंगी तो मिलने वाला कंक्लूजन या फाइनल वैल्यू आपको टोटोलॉजी ही दे देगा, तो आर्ग्यूमेंट आपका वैलिड होगा. ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका था ये रूल ऑफ सायलोगिज्म कहलाता है. इस तरीके के दोनों रूल्स को हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी आर्ग्यूमेंट्स की उस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे हम इन दोनों रूल्स को फॉलो करेंगे और अप्लाई करेंगे. ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो. इस वीडियो में हमने आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स डिस्कस करे. ओके, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों, वीडियो समझ में आई हो, तो प्लीज़ क्लासमेट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें. गुड लक.